प्रभु प्रसाद चैनल में सभी भाई बहनों का स्वागत है। आज सरल निपट बनाएंगे, इजी निपट बनाएंगे। उसके लिए एक बर्तन में एक कप चावल का आटा ले रही हूँ, एक कप मैदा, एक कप चिरोटी रवा, आधा कप बुगरा पाउडर करके ले रही हूँ, आधा कप मूंगफली छिलका उतार के दरदरा पीस के वो भी डाल रही हूँ, एक स्पून हिंग, दो स्पून तिल, स्वादानुसार नमक, ऐसा सब मिक्स कर लेंगे। अभी चावल का आटा, चिरोटी रवा सब लिया है ना, उसी कप से 40% ऑयल गरम करके इसी में डाल रही हूँ। इसको एक चम्मच से मिक्स कर लेंगे। गरम है ना, इसलिए हाथ नहीं डालना है। देखिए अभी हाथ डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी ग्रीन मिर्ची डाल रही हूँ, ग्रीन मिर्ची पीस के डाल रही हूँ। लाल मिर्ची भी डाल सकते हैं अपने टेस्ट अनुसार। अभी इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा गूंद लेंगे। देखिए ऐसा, आटा गूंद गया है। अभी इसको गोल गोल लोई बना लेंगे। देखिए ऐसा, जो हमको साइज चाहिए उस अनुसार बना लेंगे। अभी एक प्लास्टिक पेपर को ऑयल से ग्रीस कर रही हूँ। दूध का कवर ऐसा काट के उसको भी ऑयल से ग्रीस कर रही हूँ। देखिए ऐसा, अभी इसमें एक लोई लेके ऐसा पेपर में रख करके प्लेट से प्रेस करने से शेप, राउंड शेप आ जाएगा। उसमें अभी ऐसा कटिंग वाला कटोरी से इसको काट लेंगे तो साइज एक ही साइज आएगा। कटिंग होने से देखने में भी सुंदर होगा। अभी चाकू से इसको थोड़ा थोड़ा ऐसा मटरी में हम छेद करते हैं ना, ऐसा इसमें भी छेद कर रही हूँ। देखिए ऐसा, अभी दूसरा भी मैं दिखाती हूँ कैसे करते हैं। देखिए ऐसा, एक लोई लेके और इसमें ऐसा ढक के ऐसा प्रेस करके कटोरी से काट लेंगे। जो एक्स्ट्रा होता है वो सब निकल जाएगा, देखने में सुंदर लगेगा। देखिए ऐसा, अब इसको भी चाकू से थोड़ा ऐसा कर लेंगे। अभी जो भी उंडा बचा है उसको भी ऐसा ही कर लेंगे। देखिए ऐसा, अभी मैं तेल रखी हूँ, तेल गरम हो गया है। अभी उसमें एक एक करके डालेंगे। मीडियम आंच में इसको फ्राई करना है, जैसे हम मटरी फ्राई करते हैं ना ऐसे। देखिए ये फ्राई हो गया है। अभी इसको मैं निकाल रही हूँ। देखिए रोज़ कलर आया है ना, कितना सुंदर निपट रेडी हो गया है, इजी निपट। अभी जो भी आटा बचा है उसको भी ऐसे ही तल लेंगे। अभी ये तैयार हो गया है। अभी इसको मैं सर्विंग बाउल में निकाल रही हूँ। इजी निपट, सरल निपट,
रेडी।